वाली सीट खाली है। बगा बगा तुम्ही बगा स्वतः बगा। भाई साहब आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे? वो क्या है कि मैं बिना विंडो सीट के सफर में परेशान हो जाता हूँ और कोई विंडो सीट खाली नहीं है, तो यू डोंट माइंड। थैंक यू। थोड़ा सीट आगे लीजिए ना। भाई साहब आप अपनी थोड़ी सीट पीछे ले लीजिए ना। क्या बात कर रहे हो यार, आप पूना जा रहे हैं? ये बस पूना तक ही जाती है। मैं भी 3 महीने में एक बार पूना जरूर जाता हूँ। क्या है ना कि मुंबई की आबोहवा से कहीं बेहतर है पूना का मौसम, खासकर शरीर और मन के लिए, और मुझ जैसे कलाकारों के लिए तो बहुत जरूरी है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो ना खोलिए खोलिए। अरे देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, अखिल भारतीय जिला परिषद संगीत महोत्सव, मेरा पहला स्वर्ण पदक, मेरा पहला प्रदर्शन भी था, गोल्ड मेडल जी, गोल्ड मेडल। सिर्फ 13 साल का था मैं। आगे देखिए, महाविद्यालय प्रांगण में कदम रखते ही एक और उपलब्धि। आगे देखिए, ये देखिए, यहाँ तो मेरी नौकरी भी नहीं लगी थी, तब से स्टेज शोज कर रहा हूँ मैं। आप सिंगर हैं? अजी मैं खुद को सिंगर कहलाना पसंद नहीं करता, लगता है जैसे कि सिलाई मशीन का विक्रेता हूँ। अच्छा अच्छा। गायक हूँ मैं, संगीत की सेवा में समर्पित है मेरा जीवन। अच्छा। वैसे मेरा कोई गुरु है नहीं, लेकिन मैंने नौशाद साहब को अपना गुरु माना, सचिन देव बर्मन साहब, शंकर जयकिशन साहब, खयाम साहब, और आजकल के जमाने में एआर। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। पकड़ रहे हैं क्या नेटवर्क? हाँ। ओहो हे ओहो हे हे। आगे भी कोमल। जीवन के सफर मेरा ही। हाँ कोमल, मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे। क्या बोलता है?